दोस्तों, अगर आपने जेफ द किलर पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो जाकर उसे पहले देख लीजिए, वरना क्या है कि स्टोरी की समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसका अगला एपिसोड। बाबा यहाँ पर बैठ जाते हैं और रोड ठीक हो जाता है। गुल्ली वहाँ पर आ जाता है। गुल्ली एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। बाबा इसे समझाता है कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें धो दूंगा। और तभी वो बाबा की बात मान जाता है और बाबा को कुछ नहीं कहता। तो चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी रोड इसे कहता है, अब जल्दी से जाओ, वो जेफ द किलर का सफाया कर दो, उसको छोड़ना मत, ये मेरा ऑर्डर है। अरे उसने मेरा बुरा हाल कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं आऊँगा। तभी गुल्ली इसे कहता है, अरे किसी को तो मेरे साथ आना होगा। अरे मेरे ऊपर एतबार करो, मैं तुम में से किसी को भी नहीं खाऊंगा। अरे मैं तुम्हें क्या ऐसा लगता हूँ, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो सच में एक को खा जाऊंगा। अरे तुम देख नहीं रहे, मैं जॉइंट गुल्ली बन चुका हूँ और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, खास तौर पे जेफ द किलर को। तभी ये कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, बस इतना बता दूं कि जेफ द किलर अपने गेस्ट हाउस पर मिलेगा। जाओ मेरे शेर, प्लीज जाओ। अरे हमारा वेट मत करो, हम अभी आ रहे हैं। तभी गुल्ली इसकी बात मान लेता है। गुल्ली वहां से जाने लगता है। अब गुल्ली जेफ द किलर को नहीं छोड़ेगा। इधर जेफ द किलर भी यहां पर आ रहा है। अरे ये तो अपने हाउस पे आ रहा है। अरे यहां पर ना जाने इसने किनको रखा हुआ है। चलो चलकर देखते हैं कि यहां पर आखिरकार है तो है कौन। चलो चलकर देखते हैं। अरे ये तो अपना बुल्ली है और साथ में इसके शोन है, जिसको पिंजरे में बंद किया हुआ है। अरे ये क्या हो गया, जेफ द किलर ने तो इन दोनों को पिंजरे में बंद कर दिया। अपना शोन तो ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सही से नहीं हुआ था, इसलिए अपना पोटीवा शोन अभी तक छोटा है, इसलिए इसको पिंजरे में बंद किया गया है। अगर जेफ द किलर की तरह वो बड़ा हो जाता तो जेफ द किलर इसको बंद ना करता। तभी थोड़ी ही देर बाद यहाँ से कोई चीज़ बाहर आने लगती है। अरे ये कौन है, अरे ये बाहर कौन आ रहा है। अरे ये तो मम्मी है, जो कि बाहर की तरफ आ चुकी है। अरे मम्मी यहाँ पर क्या कर रही है। तभी मम्मी यहाँ पर खड़ी हो जाती है, सामने की तरफ देखने लगती है और तभी जेफ द किलर से कहने लगती है, अरे जेफ द किलर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने सारे लोगों को पकड़ कर ले आए हो। दो को तो मैं अभी ले जाऊंगी, कल मुझे दो की बलि देनी है, तो मुझे जल्द से जल्द इन्हें ले जाना होगा। मुझे और भी चाहिए, मुझे काफी सारे चाहिए, वरना तुम्हारी ही बलि दे दूंगी। अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूँ। तभी जेफ द किलर कहता है, मेरा दिमाग मत खराब करो, एक तो तुम्हें लाके दिया है, ऊपर से एहसान चाड़ रही हो। अरे मुझे क्या डरा रही हो, अरे मुझे कोई नहीं डरा सकता। अरे जिस साइंटिस्ट ने मुझे डराया था उसको भी मैंने उड़ा दिया, बॉम्ब से मार दिया। अरे तुम क्या चीज हो मेरे सामने। तभी इसकी ये बात सुन के मम्मी इसके ऊपर चिल्लाने लगती है, अरे तुम्हें गायब कर दूंगी, अरे तुम्हें मम्मी बनाकर पैरामिड में रखूंगी, कई सौ साल तक पड़े रहोगे। तभी जेफ द किलर को गुस्सा आता है, मुंह से आग निकालने लगता है। अरे ये क्या हो गया, जेफ द किलर में तो काफी ज्यादा पावर आ गई है। तभी यहाँ पर काफी सारा करंट निकलता है, ना जाने इससे क्या होगा। तभी थोड़ी ही देर बाद अरे मम्मी तो यहाँ पर जल रही है। अरे ये मम्मी के साथ इसने क्या कर दिया। अरे जेफ द किलर तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसको तो एक ही बंदा हरा सकता है और वो गुल्ली है, क्योंकि गुल्ली को भी उसी साइंटिस्ट ने बनाया है जिस साइंटिस्ट ने जेफ द किलर को बनाया है, तो इसलिए गुल्ली ही इसे मार सकता है। इधर बाबा और रोड दोनों कहीं जा रहे हैं। अरे ये क्या, इसमें पेट्रोल खत्म है, इसलिए रोड बाइक को धक्का लगा रहा है और बाबा बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं और ये दोनों वहां से जा रहे हैं। अरे ये नौबत आ चुकी है कि अब तो बाबा के पास पैसे ही नहीं है, बाबा को न्यू गर्लफ्रेंड चाहिए। दोस्तों अगर आप बाबा की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं तो नीचे प्लीज कॉमेंट कीजिए। अरे यहाँ पर काफी सारा ब्लड पड़ा हुआ है, अरे ये अपने रोड का ब्लड है। ऐसे ही धक्का लगाते लगाते थोड़ी ही देर बाद ये दोनों पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। अरे रोड की तो हालत खराब हो गई है बाइक को धक्का लगा लगा कर, अरे ये बाइक काफी ज्यादा भारी है। तभी यहाँ पर सामने एक बंदा खड़ा होता है जो यहाँ पर वर्कर है। तभी बाबा इसे कहता है, जल्दी से इसमें 50 रुपए का पेट्रोल डाल, हमें जल्द से जल्द काम जाना है। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे किसी को सबक सिखाना है। तभी इसकी ये बात सुनकर ये इसे कहने लगता है, अरे बाबा मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। अरे तुम्हारी सारी वीडियोस देखी हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते उन पर काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है। तभी ये कहने लगता है, अरे तुम सही कह रहे हो,
अरे लोग तो सब्सक्राइब नहीं करते, अरे इतनी लंबी वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में ना जाने उनका क्या जाता है, चलो उसको छोड़ो पेट्रोल डालो। तभी ये बाबा के साथ सेल्फी लेने लगता है। अरे सेल्फी के साथ साथ अरे ये तो वीडियो बना रहा है बाबा के साथ। तभी रोड को बुरा लगता है कि ये बाबा के साथ तो सेल्फी ले रहा है लेकिन मेरे साथ नहीं ले रहा। तभी ये दोनों वहां से जाने लगते हैं जेफ द किलर को मारने के लिए। बाबा बाइक चला रहा है, तभी बाबा को पता नहीं क्या सूझता है, बाबा वन व्हीलिंग करने लग जाता है। अरे ये रही वन व्हीलिंग और ये रहा अपना रोड। तभी रोड पीछे से गिर जाता है। अरे बाबा तो रुका ही नहीं है, तभी रोड उठकर खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या बाबा, अरे ये तो रोड को अपने साथ ही नहीं ले गया। तभी रोड पीछे से देखता रह जाता है, अरे ये क्या हो गया। तभी रोड अपना वापस को आने लगता है उसी पेट्रोल पंप वाले के पास जहाँ से इन्होंने पेट्रोल भरवाया है, हो सकता है उससे कुछ हेल्प मिल जाए। लेकिन बाबा ने ये इसके साथ ठीक नहीं किया, रोड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और ये गुस्सा अब हम जेफ द किलर पर निकालेंगे। तभी ये यहाँ पर आ जाता है और इसको बताने लगता है हमें जल्द से जल्द पहुँचना होगा, जेफ द किलर पूरे शहर में तबाही मचा देगा, सबको ज़ोंबी बना देगा, यहाँ तक कि तुम्हें भी ज़ोंबी बना देगा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अगर तुम्हारे पास बाइक है तो वो दे दो वरना अपनी कार दे दो, अरे तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो, अरे मैं उससे सबक सिखा सकता हूँ। तभी ये इसे कहने लगता है अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाता हूँ और तुम्हें बढ़िया चीज़ देता हूँ। तभी ये आगे आगे चलने लग जाता है, रोड इसके पीछे जाने लगता है। अरे ऐसा क्या दिखा रहा है ये, थोड़ी ही देर बाद ये आगे की तरफ जाने लगते हैं। अरे ये इसे कोई चीज़ देने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा खास है, जो कि इसने इसको बताई ही नहीं है बल्कि ये इसे सरप्राइज देना चाहता है। अरे ये तो एक जेट है। तभी रोड इसके पास आ जाता है, तभी ये बंदा उसकी तरफ इशारा करता है और बताता है ये रहा जेट, इसमें करो एंजॉय और जाओ और सबको मार डालो, इसमें दो बहुत ही खतरनाक बॉम्ब लगे हुए हैं जो कि किसी को भी ब्लास्ट कर सकते हैं। अरे ये हुई ना बात, अरे ये जेट तो अब इसे मिल चुका है। तभी रोड इस जेट में बैठ जाता है और अब आएगा मज़ा जेफ द किलर को ब्लास्ट करने में। अरे ये आदमी तो काफ़ी ज़्यादा काम का निकला है। तभी ये जेट उड़ा लेता है, उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। अरे मुझे लगता है ये तो बाबा से भी पहले वहाँ पर पहुँच जाएगा। इधर गुल्ली भी वहाँ पर पहुँच चुका है और अब तो जेफ द किलर की खैर नहीं। तभी जेफ द किलर इसको देखता है, अपना गुल्ली उसकी तरफ भागता है और उसके बाद उसको ज़मीन पर गिरा देता है और मुक्के के ऊपर दे मुक्का, वही इतने ज़्यादा मुक्के मारता है कि जेफ द किलर तो हर चीज़ भूल जाता है। अरे अपने गुल्ली को तो काफ़ी ज़्यादा इस पर गुस्सा है, अरे इतना ज़्यादा मारता है कि अपना जेफ द किलर वहाँ पर लैग हो जाता है। तभी गुल्ली वहाँ से उठ जाता है और अब गुल्ली वहाँ से जाने लगता है। अरे गुल्ली यहाँ से जा क्यों रहा है, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। इसके ब्लास्ट होते ही गुल्ली वहाँ पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे ये हुई ना बात, अपना रोड आ चुका है और इसी ने ही बॉम्ब गिराया है जेफ द किलर के ऊपर। अरे ये हुई ना बात, अरे ये तो सच में बाबा से भी पहले यहाँ पर पहुँच चुका है। अरे आखिरकार अपने बाबा कहाँ रह गए, अरे इसके पास जेट था इसलिए ये जल्दी आ गया है। और इधर अपना बाबा भी वहाँ पर आ चुका है लेकिन आज बाबा किसी को मार नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी सारे बेहोश हैं और कुछ मर चुके हैं। तभी बाबा और रोड गुल्ली और शोन के पास आ जाते हैं, इन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें जल्द से जल्द कहीं लेकर जाना होगा, अरे इसे अपने घर लेकर जाना होगा तभी ये ठीक हो पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है शोन ठीक हो चुका है, उसकी आइज ठीक हो चुकी हैं, पहले वो ग्लो कर रही थी लेकिन अब नहीं कर रही। तभी इनके दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इधर जो अपना गुल्ली होता है वो भी नॉर्मल साइज में हो जाता है और ये तो उड़ ही जाते हैं, दोनों ना जाने कहाँ चले जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।